Students, Classics, eight, Climate, means, के में, हम जानेंगे इंडिया का क्लाइमेट कैसा है इंडिया का वेजिटेशन कैसा है और इंडिया का वाइल्ड लाइफ कैसा है ये तीनों एस्पेक्ट आपस में कनेक्टेड होते हैं क्योंकि जैसा क्लाइमेट होता है उस तरीके से एक कंट्री में वेजिटेशन ग्रो करती है और जैसी भी वेजिटेशन होती है उस तरीके की वाइल्ड लाइफ अडेप्ट कर पाती है ठीक है दैट मीन्स हर वेजिटेशन में एक स्पेसिफिक तरीके का वाइल्ड लाइफ सस्टेन कर पाता होगा ठीक है सो लेट्स रीड अबाउट दिस चैप्टर नाउ एंड स्टूडेंट्स इन दिस चैप्टर वी विल रीड एंड लर्न अबाउट द फॉलोइंग टॉपिक्स फर्स्ट विल बी द इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर सेकेंड विल बी सीजन एंड क्लाइमेट ऑफ इंडिया की इंडिया में कितने टाइप के सीजन होते हैं और इंडिया का क्लाइमेट किस तरीके से होता है बिकॉज हम जानते हैं कि इंडिया में कितने टाइप के सीजन आते हैं है ना? गर्मी आती है सर्दी आती है ऑटम आता है बारिशों का मौसम आता है तो ऐसी मिक्स टाइप ऑफ कंट्री में किस टाइप का क्लाइमेट होता, होता होगा वी विल स्टडी अबाउट दैट देन वी विल रीड एंड लर्न अबाउट नेचुरल वेजिटेशन वी विल रीड की हमारे इंडिया में कितने टाइप के फॉरेस्ट होते हैं टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया देन वी विल रीड ये फॉरेस्ट ही क्यों होते हैं क्लाइमेट वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ कवर हो जाएगा एंड देन री कॉल द चैप्टर विद्प ऑफ सम एक्सरसाइजेस क्योंकि रिविजन के बिना कोई लर्निंग कंप्लीट नहीं हो पाती ठीक है सो विदाउट डीले लेट्स गेट स्टार्ट विद्टर Let's start द चैप्टर विद the introduction. So you read न्यूज पेपर daily And watch on TV also or hear others talking about weather. You must know that weather is about day to day changes in the atmosphere. It includes changes in the temperature, rainfall and sunshine etc. You also like to eat or drink cold things. In contrast, there are days together you feel cold without woolen clothes. When it is very windy and chilly, then you would like to have something too hot to eat. Kya? Hota hai? आपने कई बार न्यूज में भी देखा होगा कई बार टीवी पे भी आप देखते होंगे कि वेदर की रिपोर्ट आ रही है आज का मौसम अगर इसको हिंदी में लिखना चाहें आज का मौसम बहुत खराब है मतलब बहुत बारिश हो रही है बहुत हवा चल रही है या आज मौसम एकदम साफ है दैट मीन्स बिल्कुल सनशाइन निकली हुई है एकदम क्लीन माहौल है एकदम क्लीन वेदर है ऐसे क्लीन वेदर में जब बहुत सनी डे होता है वेन इट्स सनी डे तब आपका क्या मन करता है वेन इट्स सनी डे वेन सनी डे तब आपका क्या मन करता है बिल्कुल ठंडी ठंडी चीजें पियो मस्त आइसक्रीम खाओ आइसक्रीम खाते खाते कोल्ड ड्रिंक भी पी लो ऐसा मन करता होगा कई बार ऐसे दिन भी होते हैं जब आपको बहुत ठंडक लग रही होती है और आपको लगता है कि नहीं नहीं कुछ गर्म खाना चाहिए कॉफी पीनी चाहिए ठीक है या कुछ गर्म आपको खाने का मन करता है ये सब है वेदर के फिनमिनल ये डे टू डे चेंज होते हैं वेर आज ऑन दी अदर हैंड क्लाइमेट एक लॉन्ग टर्म फिनोमिना है एक लॉन्ग टर्म फिनोमिना है फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट इंडिया इंडिया का कैसा क्लाइमेट है मॉनसूनल क्लाइमेट है मॉनसून वाला क्लाइमेट है दैट मीन्स हमारे यहां मेजर टाइम थोड़ा सा बारिश रहता है और हल्का हल्का गर्मी रहती है और बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए विंटर्स आती हैं। तो हमारे यहाँ जो सबसे ज्यादा रहता है वो है मॉनसून का पीरियड दैट इज वाई हमारा क्लाइमेट मॉनसूनल है नाउ ब्रॉडली वी टॉक अबाउट द मेजर सीजन रिकोगनाइज इन इंडिया आर कोल्ड वेदर सीजन जिसे हम विंटर कहते हैं हॉट वेदर सीजन जिसे हम समर कहते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन जिसे हम रेनी सीजन कहते हैं या सीजन ऑफ रीट मॉनसून जिसे हम ऑटम कहते हैं जब कोल्ड वेदर का सीजन होता है तो वो लास्ट करता है दिसंबर से फेबर के बीच में जब हॉट वेदर सीजन होता है तो वो लास्ट करता है मार्च से लेकर मे के पीरियड में और जब मॉनसून का टाइम आता है तो वो होता है जून से सितंबर के बीच में और जब रीड रीडिंग मानसून दैट मीन्स जब मानसून इंडिया से वापस जा रहा होता है तो वो पीरियड होता है अक्टूबर से नवम्बर का बहुत ही छोटा पीरियड होता है वो जब मानसून वापस जा रहा होता है दैट मीन्स ऑटम का पीरियड बहुत स्मॉल होता है इंडिया में विद रिस्पेक्ट टू दी अदर सीजन सबसे ज्यादा स्ट्रेच होने वाला सीजन हमारे यहाँ मॉनसून का है उसके बाद हॉट समर्स उसके बाद कोल्ड विंटर्स बहुत ही छोटे पीरियड के लिए आता है हमारा ऑटम ठीक ये है हमारे मेजर सीजन इंडिया के आपको पता होना चाहिए कि कब कौन से मंथ में हम कौन सा सीजन मना रहे होते हैं अच्छा ये इंडिया के रिस्पेक्ट में बात हो रही है प्लीज रिमेंबर वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में बात नहीं हो रही है क्योंकि इंडिया में जब विंटर्स हैं तब किसी और कंट्री में हो सकता है समर्स चल रहे हों ठीक है हमने लास्ट चैप्टर लास्ट के कुछ चैप्टर्स में देखा है कैसे नदर्न हेमस्फेयर और सदर्न हेमस्फेयर में कितना ज्यादा डिफरेंस होता है सीजन को लेकर और वो इसलिए होता है क्योंकि जो अर्थ का रेवोल्यूशन होता है उससे अर्थ की पोजीशन और अर्थ के अलग अलग रीजन की पोजीशन वैरी करती है इसलिए बट यहां पे हम केवल इंडिया के मेजर सीजन की बात कर रहे थे ठीक है मूविंग ऑन वाइल वी टॉक अबाउट द कोल्ड वेदर सीजन और द विंटर ड्यूरिंग द विंटर सीजन द सन रेज डू नॉट फॉल डायरेक्टली इन द रीजन एंड एज अ रिजल्ट द टेम्परेचर आर क्वाइट लो इन नदर इंडिया मैंने आपको बताया भी था पहले भी बट अभी भी फिर से सुनने की कोशिश करो और समझने की कोशिश करो कि जब हमारे यहां इंडिया में विंटर्स चल रहे होते हैं तब अर्थ की पोजीशन इस तरह से होती है कि सन की जो रेज हैं वो डायरेक्टली सदन हेमिस्फेयर में ज्यादा होती हैं और नदन हेमिस्फेयर में बहुत ही कम सनशाइन और वार्म आ पाती है चर जो है वो काफी गिर जाते हैं नद इन इंडिया में ठीक इफ यू टॉक अबाउट दॉट वेदर सीजन और वॉट इन दॉट वेदर सीजन सन रेज मोर और लेस डिरेक्टली फॉल इन द रीजन समर्स के टाइम पे सन की पोजिशन ऐसे होती है कि वो नदन हेमोस्फेयर में ज्यादा वॉर्म दे रहा होता है तो कह सकते हो डायरेक्टली और मोर और लेस डायरेक्टली सन की रे हमारे रीजन पे फॉल कर रही होती है एंड बिकॉज ऑफ दिस ओनली टेम्परेचर बिकम्स वेरी हाई ठीक क्योंकि सन से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो रहा है इसलिए हमारा टेम्परेचर राइज हो जाता है समर्स में यही विंटर्स में यह है विंटर का जब डायरेक्ट सन रे नहीं आ रही है नदन हेमोस्फेयर में दैट इज वाई टेम्परेचर्स गिर जाते हैं ओके हॉट एंड ड्राई विंड्स कॉल लू ब्लो ड्यूरिंग द डे कई बार आपने सुना होगा गर्मियों के टाइम पे मम्मी लोग कहती हैं ढक के निकलो अपने आप को धूप से बचो डस्ट से बचो बहुत ज्यादा लू चल रही है है ना कुछ ना कुछ आपको ऐसा खाने को देती हैं जिससे आप लू से बच सकते हो छाछ पिलाया जाता है आपको या आपको ऐसे कोई भी काम करने को कहे जाते हैं जिससे आप उस ड्राई विंड से बच सको ठीक है और वो ड्राई विंड लू कहलाती है एंड इट इज लोकल विंड कहीं बहुत दूर से नहीं आ रही होती इंडिया में ही जनरेट होती है और इंडिया में ही खत्म हो जाती है ठीक ये हो गया आपका विंटर और समर सीजन क्या पढ़ा हमने विंटर और समर सीजन में विंटर सीजन में इंडिया पर डायरेक्टली सनरे नहीं आ रही होती डू नॉट फॉल डायरेक्टली सनरे नहीं आ रही होती हमारे रीजन में दैट इज वाई इंडिया का टेम्परेचर कम हो जाता है वेर एज ऑन इन द समर्स सन रे मोर और लेस डायरेक्टली हमारे रीजन पे आ रही होती हैं एंड दैट इज वाई टेम्परेचर बहुत हाई हो जाते हैं ऐसे टाइम पे हॉट और ड्राई विंडस भी ब्लो कर रही होती हैं ड्यूरिंग द डे ठीक ये हो गया हमारी कंडीशन इंडिया की कंडीशन ड्यूरिंग द विंटर सीजन एंड ड्यूरिंग द समर सीजन नाउ लेट्स कम टू द साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन और रेनी सीजन पहले तो ये समझो कि हम इसको साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन क्यों कह रहे हैं ये जो इंडिया है और उसके नीचे का जो ओशन है विंड्स ऐसे आती और आपको पता है बारिश विंड्स लेके आती है तभी रेन आ पाती है ठीक है विंड्स ऐसे आती हैं मॉनसून के टाइम पे ये जो जून का पीरियड है ना जून से सितंबर का पीरियड है विंड्स ऐसे ओशन की तरफ से इंडिया की तरफ आ रही होती हैं ओशन से इंडिया की तरफ आ रही होती हैं, ठीक है ऐसे ऐसे और पूरी कंट्री में बारिश करती हैं। ना अगर आपको डायरेक्शंस पता हो तो यहां पे होता है नॉर्थ यहां पे होता है साउथ ये है ईस्ट और ये है वेस्ट आपको बिल्कुल पता है ये बात है ना? अब, जहां से आ रही होती हैं हम वहां से उनका नाम रखते हैं वी डिसाइड द नेम ऑफ द विंड्स फ्रॉम द डायरेक्शन दे आर कमिंग तो ये कहां से आ रही है साउथ वेस्ट से साउथ वेस्ट से देखो साउथ भी और वेस्ट भी है है ना दैट इज दाई वी कॉल दीज वेस्ट मॉनसून विंड विंड्स के आने की वजह से इंडिया में मॉनसून का सीजन आता है दैट इज वाई वी कॉल द रेनी सीजन एज द साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन ओके नाउ दिस सीजन इज मार्क्ड बाय the onset and advance of monsoon. The winds blow from the Arabian Sea. Arabian Sea west में होता है आपको पता है देखो कितनी सारी चीजें link हो रही है यहाँ पे है ना हमने पढ़ा है last के chapters में Arabian Sea west में है और यहाँ पर Bay of Bengal है correct? Okay. The winds blow from the Arabian Sea and Bay of Bengal towards the land. ऐसे ठीक ये land की तरफ आती हैं सी से विंड्स उड़कर लैंड की तरफ आती हैं द विंड्स कम फ्रॉम द सी अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल टुवर्ड्स द लैंड एंड दे कैरी मॉइस्चर विद देम क्योंकि वो सी से se होकर आ रही हैं इसलिए वो अपने साथ मॉइस्चर लेके आती हैं द विंड्स कमिंग फ्रॉम द सी कैरी मॉइस्चर with them ध्यान से देखो मैंने यहां क्या लिखा है विंडस कमिंग फ्रॉम द सी कैरी मॉइस्चर विद दैम ठीक है दे कैरी मॉइस्चर विद दैम एंड वेन दीज विंड स्ट्राइक द माउंटेन बैरियर्स रेनफॉल अकर्स ठीक रेन तब होती है जब ये विंड्स एकदम ऊपर तक जाकर हिमालयन माउंटेन से टकराती हैं और फिर इन्हें वापस घूमना पड़ता है मुड़ना पड़ता है तब रेनफॉल हो जाती है ठीक और वहीं से इंडिया का रेनी सीजन शुरू हो जाता है अब आ जाते हैं रिट्रीटिंग मानसून या जैसे हम ऑटम कहते हैं सो so, क्या होता है रिट्रीटिंग मॉनसून में विंड बैक फ्रॉम द मेन लैंड टू बे ऑफ बेंगाल अब लैंड से सी की तरफ विंड वापस जा रही है जब मॉनसून आ रहा था तब सी की तरफ से लैंड तक विंडस आ रही थी जैसे हम कहते हैं साउथ वेस्ट मानसून पर अब क्या हो रहा है रिट्रीटिंग में क्या हो रहा है नॉर्थ ईस्ट विंडस ये अब वापस जा रहे हैं फ्रॉम लैंड टूअर्ड द सी रिट्रीट कर रही हैं वापस जा रही हैं सी से लैंड की तरफ आई थी अब लैंड से सी की तरफ जा रही हैं सिंपल विंड्स मूव बैक फ्रॉम द मेन लैंड टू द बे ऑफ बंगाल दिस इज द सीजन ऑफ द रिट्रीटिंग मॉनसून जब रिट्रीटिंग मॉनसून का टाइम आता है वो है महीना लगभग अक्टूबर से नवंबर का कभी कभी दिसंबर तक भी स्ट्रेच हो जाता है थोड़ा टाइम लग जाता है और दिसंबर का महीना आ चुका होता है मैं इंडिया के रेस्पेक्ट में बात कर रही हूँ पर्टिकुलरली तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश रिसीव रेनफॉल इन दिस सीजन और जब ये महीने चल रहे होते हैं अक्टूबर से नवम्बर कभी कभी डिसम्बर रिट्रीट हो रहा होता है मानसून ऐसे टाइम पे स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश रिसीव वेरी हैवी रेनफॉल अब आप कहोगे जब विंडस आई थी तब भी बारिश हुई होगी आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में बिल्कुल जब वापस जा रही हैं, तब भी हुई है बिल्कुल जब आती हैं विंडस तब आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं होता विंडस इतनी तेजी से आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को हिट नहीं करती पर जब ये रिट्रीट करती हैं जब ये वापस जा रही होती हैं, तब ये डायरेक्ट कनेक्शन में आती हैं तमिलनाडु के कोस्ट से और आंध्र प्रदेश के कोस्ट से और तब होती है बहुत जोरदार बारिश तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में तो जब पूरी कंट्री जून से सितंबर में हैवी रेनफॉल एक्सपीरियंस करती है तब तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में उतनी हैवी बारिश नहीं होती पर जब अक्टूबर नवंबर दिसंबर का टाइम आता है जब रीट्रीडिंग मॉनसून का टाइम आता है पूरी कंट्री में धीरे धीरे ऑटम आ रहा होता है थोड़ा सा विंटर वेलकमिंग महीने चल रहे होते हैं उस टाइम पे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में हेवी रेनी सीजन होता है ठीक है हवेवर द क्लाइमेट इज अबाउट द एवरेज वेदर कंडीशन विच हैव बीन मेजर्ड ओवर मेनी इयर्स पर हमने हमेशा से यही पढ़ा है कि क्लाइमेट एक एवरेज वेदर कंडीशन होता है स पूरी कंट्री में एवरेज क्या वेदर ज्यादातर देखा जाता है सो द क्लाइमेट ऑफ इंडिया है हमारी कंट्री का एवरेज वेदर कंडीशन मॉनसून होता है मानसून टाइप का दैट मीन्स ज्यादा से ज्यादा स्टेट ज्यादा लंबे पीरियड के लिए बारिशों के महीने देखती है इसलिए हमारी इंडिया का क्लाइमेट मॉनसून टाइप का कहलाता है मॉनसून एक ऐसा वर्ड है जो अरेबिक लैंग्वेज से लिया गया है था उसी से हमने इंग्लिश का वर्ड बनाया मॉनसून, जिसका मतलब होता है सीजन ड्यू टू इंडियाज लोकेशन ऑन द ट्रॉपिकल रीजन मोस्ट ऑफ द रेन इज ब्रॉड बाय मॉनसून विन्स क्योंकि हम एक ट्रॉपिकल रीजन की कंट्री है दैट मीन्स हम फाइव डिग्री लैटिट्यूड से लेकर 30 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में आते हैं है ना हम 5 डिग्री लैटिट्यूड से 30 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में आते हैं इसलिए हमें ट्रॉपिकल कंट्री, तो हम कंट्री है तो क्योंकि हम एक ट्रॉपिकल कंट्री हैं, इसलिए हमारे यहाँ जितनी भी बारिश आती है वो मॉनसून विंड से आती है आप प्लीज जाके रिवाइज करो कि इंडिया का लॉन्ग लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है लैटीट्यूडनल लैटिट्यूड बता दू मैं ऐसे होती है ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट आप जाके रिवाइज करो कि इंडिया का लैटीट्यूडनल एक्सटेंट क्या है और क्यों हम ट्रॉपिकल कंट्री हैं, ठीक ओके तो क्योंकि हम ट्रॉपिकल रीजन की कंट्री हैं, इसलिए यहां पर आई मैक्सिमम रेन मॉनसून विंड्स के थ्रू आती है और क्योंकि हम एक मॉनसून टाइप क्लाइमेट हैं, इसलिए हमारे इंडिया में जो एग्रीकल्चर है वो भी रेन्स पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है अच्छी बारिश अच्छी क्रॉप बुरी बारिश कम हुई अगर बारिश क्रॉप फेल गुड मॉनसून मीन एडिक्यूट रेन उंट्री फुल क्रॉप जितनी अच्छे मानसून आएंगे जितनी अच्छी बारिश लेके आएंगे उतनी अच्छी रेन होगी और जितनी अच्छी रेन होगी उतनी ही अच्छी क्रॉप उगेगी इंडिया में तो आपने कई बार सुना होगा मानसून लेट हो गए जिसकी वजह से क्रॉप्स को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है ये इसी वजह से होता है क्योंकि इंडिया में एग्रीकल्चरल एक्टिविटी रेन्स पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है और अगर रेन कम या ज्यादा होती है उससे क्रॉप पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है क्योंकि क्रॉप उगाने के लिए आपको वाटर चाहिए और वाटर कहाँ से आएगा रिवर्स से आएगा या तो फिर जो रेनफॉल होगी उससे आएगा रिवर्स में पानी रेन से ही तो आता है तो अगर रेनफॉल ही कम होगा तो इतना पानी कहां से आएगा इसलिए हमारे लिए मानसून बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए मानसून बहुत इंपॉर्टेंट है तभी हमारी क्रॉप्स अच्छी ग्रो कर सकती हैं और तभी हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर भी ग्रो कर सकता है ठीक है तो ये हो गए हमारे सारे सीजन का एक्सप्लेनेशन डन एक बार फिर से देख लो हमने पढ़ा कोल्ड वेदर सीजन जिसे हम विंटर कहते हैं हॉट वेदर सीजन जिसे हम समर कहते हैं साउथ वेस्ट मानसून सीजन जो हमारे लिए रेनी सीजन होता है और फिर आता है हमारा ऑटम का सीजन इस ऑटम के बाद एक्चुअली आते हैं विंटर्स जो कि हमने आपको सबसे पहले बता दिए ठीक है? है, है क्योंकि चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं इंडिया का क्लाइमेट इंडिया का वेजिटेशन इंडिया की वाइल्ड लाइफ तो पहले क्लाइमेट क्यों जरूरी है उससे क्या फर्क पड़ता है कहां पर किस तरीके का क्लाइमेट होता है इस चीज को जानना भी जरूरी है तो क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज इफेक्टेड by its location, by its altitude, by the distance from the sea and by its relief feature. That means, कोई भी जगह की location क्या है, वो कितनी altitude, यानी कि कितनी height पर है, वो जगह sea से कितनी दूर है और उसका relief feature कैसा है, मतलब क्या वो जगह mountainous है, क्या वो जगह plateauic है, क्या वो जगह plain region है, ठीक है, क्या वहाँ पे hills हैं, वहां का रिलीफ कैसा है रिलीफ फीचर कैसा है ये भी मैटर करता है क्लाइमेट के लिए ठीक है देयर फॉर वी एक्सपीरियंस रीजनल डिफरेंस इन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया हमें इंडिया के क्लाइमेट में रीजनल डिफरेंस दिखते हैं दैट मीनस जो माउंटेनस स्टेट्स हैं जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड नॉर्थ ईस्ट की कुछ स्टेट सिक्किम यहां पर क्लाइमेट थोड़ा दूसरे तरीके का होता है और ऑन द अदर हैंड वी टॉक अबाउट डेक इन इंडिया वहां पर क्लाइमेट काफी डिफरेंट होता है कई बार आपने अपने फ्रेंड्स से सुना होगा कि नॉर्थ इंडिया में विंटर्स बहुत हार्श होती हैं वहीं साउथ इंडिया में विंटर्स उतनी हार्श नहीं होती है राइट right? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जगह की लोकेशन उसका एल्टीट्यूड सी से उसका डिफरेंस और उसके रिलीफ फीचर्स उसके क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं ठीक है जहां मुंबई जैसी जगह में मोस्ट ऑफ द टाइम ह्यूमिडिटी रहती है वहां उत्तर प्रदेश बिहार पंजाब रीजन में हेवी रेनफॉल के साथ कभी कभी बहुत ज्यादा गर्मी और हार्श विंटर्स भी आते हैं जैसलमेर एंड बीकानेर इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान आर वेरी हॉट वाइल द्रास एंड कारगिल इन जम्मू एंड कश्मीर आर फ्रीजिंग कोल्ड जैसलमेर बीकानेर जो दिन के टाइम पे बहुत गर्म होते हैं वहीं द्रास और कारगिल जो जम्मू कश्मीर में है वो बहुत ठंडे रहते हैं दिन के टाइम पे भी प्लेजिंग हवा चल रही होती है ठंडा ठंडा मौसम होता है आपको कुछ ना कुछ एक वन लेयर ऑफ वार्म क्लोथ पहनना पड़ता है कोस्टल प्लेस लाइक बॉम्बे सॉरी कोस्टल प्लेस लाइक मुंबई बॉम्बे तो पुराना नाम है कोस्टल प्लेसेस लाइक मुंबई एंड कोलकाता एक्सपीरियंस मॉडरेट क्लाइमेट लेकिन अगर हम मुंबई और कोलकाता की बात करें तो वो ना बहुत ज्यादा वेरी हॉट ना बहुत ज्यादा कोल्ड वहां पे मॉडरेट क्लाइमेट रहता है थ्रू आउट द ईयर दे आर नीद टू हॉट नॉर टू कोल्ड एंड बींग ऑन द कोस्ट दीज प्लेसेज आर वेरी ह्यूमिड क्योंकि आप जब कोस्ट के पास रहते हो जहां पर सी एरिया है तो ऐसी जगह जनरली बहुत ज्यादा ह्यूमिड रहती है राइट right? मेघालय रिसीव दी वर्ल्ड हाइएस्ट रेनफॉल वाइल इन अ पर्टिकुलर ईयर इट माइट नॉट रेन एट ऑल इन जैसलमेर इन राजस्थान तो यहाँ पे पहले एक चीज समझो कि एक जगह है मौसन राम जहां दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश होती है दुनिया में सबसे ज्यादा जितनी बारिश होती है वो मौसन राम में होती है और दूसरी जगह है एक जैसलमेर जहां कभी कभी कुछ ईयर ऐसे भी आते हैं कि जैसलमेर में बिल्कुल बारिश नहीं होती पूरा ड्राई स्पेल रहता है तो आप देख रहे हो कितना ज्यादा डिफरेंस है क्लाइमेट में इंडिया के ही अंदर एक जगह जहां बहुत ठंडक पड़ती है एक जगह जहां बहुत गर्मी रहती है कुछ ऐसी जगह जहां हमेशा मॉडरेट क्लाइमेट रहता है कुछ ऐसी जगह जहां बहुत ह्यूमिड रहता है कुछ ऐसी जगह जहां बहुत हैवी रेनफॉल होती है और कुछ ऐसी जगह जहां कभी कभी बिल्कुल रेनफॉल नहीं होती ठीक अच्छा यहां पे मैंने आपको एक फैक्ट बताया कि राम जो कि मेघालय में है वहां पे दुनिया में सबसे ज्यादा रेनफॉल होता है इसका पता कैसे चलता होगा बच्चों इसका पता ऐसे चलता है कि जब रेन होती है ना और जब रेन ड्रॉप ग्राउंड पे पड़ती है तो वो कुछ मिलीमीटर या सेंटीमीटर की होती है और इसी को मेजर किया जाता है जो भी वेदर डिपार्टमेंट वाले होते हैं मेट्योरोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले होते हैं वो इस रेनफॉल को मेजर करते हैं कि रेनफॉल कितनी मिलीमीटर या सेंटीमीटर की थी और अगर आप मौसम राम की बात करो तो वहां पे सबसे ज्यादा बारिश होती है क्योंकि वहां पे मिलीमीटर या फिर सेंटीमीटर की वैल्यू बहुत हाई होती होगी दैट इज बाय मोसन राम में वर्ल्ड की हाईएस्ट रेनफॉल होती है ठीक है तो ऐसे डिफर करता है इंडिया का क्लाइमेट आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल गया होगा यहां पे मैंने आपको सबसे पहले बताया कि क्लाइमेट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन से हैं क्लाइमेट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स होते हैं लोकेशन एल्टीट्यूड डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड द रिलीफ फीचर फिर मैंने आपको यह बताया कि इंडिया के ही अंदर आपको कुछ रीजनल डिफरेंस देखने को मिलते हैं क्लाइमेट में जैसे कि फ्यू प्लेसेस आर वेरी हॉट लाइक जैसलमेर एंड बीकानेर इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान कुछ जगहें ऐसी हैं जो बहुत कोल्ड रहती हैं फॉर एग्जाम्पल द्रास एंड कारगिल कुछ जगहें ऐसी हैं जो हमेशा मॉडरेट क्लाइमेट एक्सपीरियंस करती हैं लाइक मुंबई एंड कोलकाता और कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पे हाईएस्ट रेनफॉल होती है फॉर एग्जाम्पल मौसम राम एन मेघालय और कुछ जगहें ऐसी हैं जहां कभी कभी बिल्कुल बारिश नहीं होती फॉर एग्जाम्पल जैसलमेर इन राजस्थान ठीक है तो ये है हमारा क्लाइमेट की ओवरऑल फीचर्स ना यूज अ क्वेश्चन फॉर यू वॉट वुड हैपन इफ मॉनसून वर वीक और इवन वर्स फेल्ड टू अकर वन हमने पढ़ा कि इंडिया एक मॉनसून टाइप का क्लाइमेट है क्यों क्योंकि भले ही रीजनल डिफरेंसेस हैं क्लाइमेट में आपको मेघालय में बहुत बारिश दिखती है राजस्थान में बिल्कुल नहीं बट ओवरऑल थोड़ा थोड़ा बारिश इंडिया के हर कोने में होता है दैट इज वाई वी हैव मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट क्योंकि जब मानसून की विंड्स आती हैं तो पूरे इंडिया पे अफेक्ट डालती है दैट इज वाई ओवरऑल ऑन एवरेज एक्सपीरियंस अ मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट ओके अच्छा मान लो अगर मॉनसून किसी वीक हो जाए और मान लो वीक नहीं बिल्कुल फेल ही हो जाए बारिश हो ही नहीं तो क्या होगा यू हैव टू टेक द करेक्ट आंसर क्रॉप विल बी अफेक्टेड और नॉट अफेक्टेड डेफिनेटली इट विल बी अफेक्टेड क्योंकि हम एक एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है एग्रो बेस्ड और हमारा एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा इरीगेशन पर बेस्ड है और इरिगेशन रेनफॉल पर बेस्ड होता है तो अगर मॉनसून फेल हो गया तो रेनफॉल नहीं होगी इरिगेशन के लिए पानी नहीं मिलेगा और हमारी क्रॉप फेल हो जाएंगी दे विल बी मेजरली अफेक्टेड ओके सेकेंड पॉइंट आपसे पूछा है अगर रेनफॉल फेल हो जाता है देन द लेवल ऑफ द वॉटर इन अ वेल विल कम डाउन बताइए इतना आसान सा है डेफिनेटली इट विल गो डाउन क्योंकि बारिश नहीं होगी तो कुएं में पानी कैसे भरेगा है ना लास्ट पूछा है आपसे अगर मॉनसून फेल हो जाते हैं तो समर्स विल बी लॉन्गर और शॉर्टर दे विल बी लॉन्गर समर का रीच बढ़ता चला जाएगा क्योंकि मॉनसून फेल हो रहा है रेन आ ही नहीं रही है इसलिए समर्स विल गेट लॉन्गर ओके सो दीज कुड बी दी इफेक्ट इफ मॉनसून गेट वीक फेल इन वन और मूव ऑन right, आगे पूछा है आपसे हमको एक एक्टिविटी करनी है और एक्टिविटी ये है कि अभी हमने जितनी भी प्लेसेस पढ़ी क्लाइमेट को समझने के लिए हमें उसे एक इंडिया के मैप पे मार्क करना होगा तो चलो करते हैं इसको सब लोग अपने अपने पास एक मैप निकालो मेरे पास भी अपना एक मैप है तो ये रहा मेरा मैप अब यहां पे पहले हम लोग एक बार जगह लिख लेते हैं हम लोग को कौन कौन सी मार्क करने को बोली गई थी ठीक है राजस्थान तो मुझे याद है चलो स्लाइड पे चल के देखते हैं तो स्लाइड पे स्लाइड पे सबसे पहले हमसे पूछा गया है राजस्थान का एरिया ठीक है राजस्थान में उन्होंने जैसलमेर और बीकानेर बताया था तो पहली स्टेट हो गई जो हमें मार्क करनी है वो है राजस्थान दूसरी स्टेट हमें मार्क करनी है जो कि अब एक यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर फिर हमें मार्क करना है मुंबई विच इज इन महाराष्ट्र तो हमें थर्ड हो गया हमारे लिए महाराष्ट्र फोर्थ हो गया हमारे लिए कोलकाता ठीक है और क्या करना है हम लोग को मेघालय मेघालय करना है क्योंकि वहां पे दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है ठीक तो पांच चीजें मार्क करनी है लेट्स गो बैक राजस्थान के बाद मार्क करना था जे एन के, जे -एन -के, के बाद मार्क करना था हम लोग को मेघालय मेघालय के बाद हम लोग को मार्क करना था महाराष्ट्र क्योंकि मुंबई की बात हुई थी है ना कि जहां पे बहुत ह्यूमिड रहता है कोस्टल एरिया है एक बैलेंस टाइप ऑफ मॉडरेट क्लाइमेट बना रहता है राइट हम लोगों को से कोलकाता दैट मीन्स वेस्ट बंगाल की भी बात की गई थी तो हम लोगों वेस्ट बंगाल का स्टेट भी मार्क करना है दैट्स इट तो पांच ही चीजें थी ऑल राइट तो सबसे पहले राजस्थान करते हैं मैंने आपको कई बार स्टेट्स करके बताए भी हैं कि कौन सी स्टेट कहां पर है अगर नहीं आते तो मैं बता दू ये है आपका राजस्थान दिस इज द स्टेट ऑफ राजस्थान ओके राजस्थान हो गया अगर किसी को नहीं आ रहा है मुझसे टैली कर ले आंसर चेक करने के लिए लेट्स टॉक अबाउट जे एन के नाउ अच्छा मेरे मैप पे यहाँ पे डिविजन नहीं है ठीक है ये डिविजन यहाँ पे ऐसे नहीं है दिस इज द जे एन के और जो ये है ये लद्दाख का यूनियन टेरिटरी है ठीक है डिविजन हुआ है ना अभी रिसेंटली फ्यू इयर्स बैक जे एंड के का यूनियन टेरिटरी यहां पर है लेट्स टॉक अबाउट मेघालय मेघालय बेटा देखो कहां है यह है बांग्लादेश कंट्री ठीक है याद रखो यह है बांग्लादेश की कंट्री जो लगभग लगभग छोटा सा ऐसा लगता है इंडिया ही है सिर्फ देखने में सिर्फ देखने में आउटलाइन से ऐसा लगता है बांग्लादेश के जस्ट ऊपर जो ये छोटा सा पोर्शन है जिसको मैं आप फिल कर रही हूं रेड इंक से जिस पोर्शन को मैं रेड इंक से फिल कर रही हूं दिस इज द स्टेट ऑफ मेघालय ठीक है ये हो गया मेघालय लेट्स टॉक अबाउट महाराष्ट्र महाराष्ट्र ये है महाराष्ट्र ठीक है और यहीं पे कहीं पे मुंबई लेट्स टॉक अबाउट वेस्ट बंगाल, क्योंकि कोलकाता की बात हो रही थी राइट ये है वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश से लगा हुआ स्टेट वेस्ट बंगाल, ठीक है दिस इज वेस्ट बंगाल, ये देखो जिसको मैं रेड मार्क कर रही हूं फिर से दिस इज वेस्ट बेंगाल ठीक है ये हो गया आपका मैप वर्क डन ऑल राइट right, तो अब क्लाइमेट को समझने के बाद और क्लाइमेट से रिलेटेड अलग अलग प्लेसेस को मार्क करने के बाद लेट्स रीड अबाउट द नेचुरल वेजिटेशन क्योंकि हम इंडिया के फीचर्स स्टडी कर रहे हैं जिसमें हमने क्लाइमेट को स्टडी कर लिया है नेक्स्ट इज वेजिटेशन सो लेट्स रीड अबाउट वेजिटेशन वी सी अ वैरायटी ऑफ प्लांट लाइफ इन अवर सराउंडिंग्स हम अपने आसपास बहुत तरीके की प्लांट लाइफ देखते हैं आपने देखा होगा तरह तरह के पेड़ आपको अपने आसपास अपनी सराउंडिंग्स में पार्क में आपको अलग अलग तरीके की प्लांट लाइफ देखने को मिलती है हाउ नाइस इट इज टू प्ले इन फील्ड विथ ग्रीन ग्रासेस कोई एक फील्ड जहां बहुत सारी ग्रीन ग्रास हो खेलने में कितना मजा आता है है ना एंड दैट इज ऑल्सो वेजिटेशन ग्रासलैंड देर आर ऑल्सो स्मॉल प्लांट्स कॉल्ड बुशेज एंड श्रब्स

वेजिटेशन में बहुत तरीके की वेजिटेशन में टॉल ट्रीज भी आते हैं कुछ ऐसे ट्रीज जिनकी बहुत बड़ी बड़ी ब्रांचेस होती हैं जैसे कि नीम का पेड़ मैंगो का पेड़ पर कुछ टॉल ट्रीज ऐसे भी होते हैं जिनके पास बहुत ही कम पत्तियां होती हैं जैसे कि पाम ट्री द ग्रासेस द श्रब्स एंड द ट्रीज विच ग्रो ऑन देअर ओन विदाउट इंटरफेरेंस और हेल्प फ्रॉम ह्यूमन बीइंग्स आर कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन और वो ग्रासेस या श्रब्स या ट्रीज जो खुद उगते हैं जो किसी भी ह्यूमन बींग की हेल्प से नहीं उगते हमारे किसी भी इंटरफेरेंस से नहीं उगते ऐसी वेजिटेशन को हम क्या कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन एक ऐसी वेजिटेशन जो नेचुरली ग्रो कर रही है हमने उसे नहीं उगाया ना हमने कोई सो किया ना हमने कोई सीड्स रखे वो अपने आप नेचुरली ग्रो करके

जहां का क्लाइमेट बहुत ज्यादा रेनी होगा वहां अलग टाइप का वेजिटेशन जहां बहुत ड्राई होता है क्लाइमेट वहां अलग टाइप का वेजिटेशन होता है जहां पर मॉडरेट रहता है वहां पर अलग टाइप का वेजिटेशन होता है जहां थोड़ा ह्यूमिड रहता है वहां अलग टाइप का वेजिटेशन होता है तो जैसा क्लाइमेट होगा उसी टाइप की वेजिटेशन होगी इसीलिए आपको मैंने बोला भी था कि क्लाइमेट से वेजिटेशन वेजिटेशन की डिपेंडेंट वाइल्ड लाइफ मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था ठीक है कि क्लाइमेट की वजह से वेजिटेशन पर इफेक्ट आता है वेजिटेशन से वाइल्ड लाइफ पर इफेक्ट आता है जिस टाइप का वेजिटेशन होगा उस टाइप की वाइल्ड लाइफ मिलेगी ठीक है ये अब हम आगे पढ़ेंगे ड्यू टू वेरी क्लाइमेट क्लाइमेटिक कंडीशन इंडिया हैज अ वाइड रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन और अभी हम लोगों ने देखा कि इंडिया में तो बहुत तरीके का क्लाइमेट पाया जाता है बहुत ज्यादा रीजनल डिफरेंस देखा जाता है क्लाइमेट में और इसकी वजह से अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन होने की वजह से इंडिया में नेचुरल वेजिटेशन भी बहुत तरीके के हैं इसीलिए इंडिया एक बहुत ही स्पेशल कंट्री है क्योंकि यहां पे हर तरीके के क्लाइमेटिक कंडीशन और हर तरीके का नेचुरल वेजिटेशन देखने को मिलता है और इसी के रिस्पांस में हमें बहुत तरीके की वाइल्ड लाइफ देखने को भी मिलती है ठीक है नाउ लेट्स सी कि इंडिया में कितने तरीके के वेजिटेशन हमें देखने को मिलते हैं एक इमेज तो आपको यही भी दिखाई जा रही है इज ऑफ अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इनफैक्ट हर ट्री का जो टॉप है हर ट्री का टॉप इतना थिक है कि ये मिलके टोटल में मिलके कैनपी को दैट मीनस किसी भी फॉरेस्ट की ऊपर की लेयर को इतना थिक बना देती है कि सनलाइट नीचे तक पहुंच नहीं पाती इससे आपको एक क्लू मिल जाता है कि हमेशा ट्रिप ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ट्रीज तो बहुत लंबे होंगे पर श्रब्स ज्यादा नहीं होंगे क्योंकि सनलाइट नीचे नहीं पहुंच पा रही इस वजह से श्रब्स ग्रो नहीं कर पा रहे होंगे करेक्ट यहां पे एक और इमेज आपको दिखाई गई है कि कितने कितने तरीके के ट्रीज या प्लांट्स या श्रब्स हमें इंडिया में देखने को मिलते हैं यह है ग्राउंड लेयर कुछ डेढ़ सेंटी सॉरी कुछ डेढ़ मीटर तक श्रब्स की लेयर होती है पांच मीटर तक के स्मॉल प्लांट्स होते हैं यंग ट्रीज मिलते हैं विद इन फाइव मीटर्स टू ट्वेंटी मीटर्स और फिर ट्वेंटी मीटर से फोर्टी मीटर्स के बीच में आती है ट्रीज की कैनपी और सबसे लंबे ट्रीज जो आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या कह सकते हो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं ठीक मैक्सिमम हाइट लगभग लगभग 60 मीटर मीटर की होती है 60 मीटर इस लंबे तो पेड़ शायद कम मिलते होंगे या नहीं मिलते होंगे ठीक अब हम देखते हैं कितने तरीके की वेजिटेशन इंडिया में देखने को मिलती है तो ये रहा इंडिया का मैप और यहां पे आपको बताया गया है दैट मेजरली देर आर फाइव टाइप्स ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन इंडिया सबसे पहला हमने अभी देखा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट दूसरा होता है इंडिया में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले फॉरेस्ट ट्रॉपिकल डेडियस देस फॉरेस्ट फिर आते हैं माउंटेन फॉरेस्ट दैट मीनस वो फॉरेस्ट जो माउंटेनस रीजन में मिलते हैं माउंटेन के रीजन में जो मिलते हैं उन्हें हम कहते हैं माउंटेन फॉरेस्ट फिर आते हैं मैंग्रूव फॉरेस्ट मैंग्रूव फॉरेस्ट आपको जनरली ऐसी जगहों पर मिलेंगे जहां सेलाइन वॉटर होता हो या फिर कोस्ट हो मैंग्रोव फॉरेस्ट जनरली आपको कोस्ट लाइन पे देखने को मिलते हैं और फिर आते हैं ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट ये आपको वहां मिले, मिलेंगे जहां पर थोड़ा सा ड्राई क्लाइमेटिक होती हैं ठीक है जनरली जहां ज्यादा डेजर्ट है या जहां थोड़ा सा प्लेटोइ रीजन थोड़ा सा ड्राई स्पेल आता है मॉनसून के टाइम पे वहां पे आपको ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट देखने को मिल सकते हैं ठीक अब मैं आपको हर फॉरेस्ट के कुछ कुछ एग्जाम्पल्स दे देती हूँ जो आपको जरूर पता होने चाहिए एग्जाम्पल्स क्यों क्योंकि आपने ये तो देख लिया कि माउंटेन रीजन कहां पर है वहां पे आपको माउंटेन फॉरेस्ट मिल रहा है एवरग्रीन फॉरेस्ट यहां पर मिल रहा है यहां वेस्ट बंगाल में इधर पूरे कोस्ट लाइन पे इधर की कोस्ट लाइन पे मिल रहा है आपने देखा कि इंडिया के मैक्सिमम पोर्शन में आपको डेसीडियस फॉरेस्ट दिख रहा है कुछ पोर्शंस में आपको थॉर्न फॉरेस्ट भी दिख रहा है कुछ बहुत ही स्मॉल पोर्शन पे मैंग्रोव फॉरेस्ट भी दिख रहा है बट इन फॉरेस्ट में कौन से ट्रीज उग रहे हैं विच ट्रीज आर ग्रोइंग इन दिस फॉरेस्ट ये भी तो जानना पड़ेगा ना दैट इज वाई आई एम गोना गिव यू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच फॉरेस्ट वेरी फ्यू एग्जाम्पल्स डोंट वरी तो ये रहे तो ये रहे एग्जाम्पल्स सारे टाइप के फॉरेस्ट के सबसे पहले आते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन या जिन्हें हम कह सकते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्योंकि इन फॉरेस्ट में एक्सेसिव रेन होने की वजह से यहां पे बहुत लंबे लंबे ट्रीज उगते हैं इनफैक्ट ऐसे डेंस फॉरेस्ट केवल वही पाए जाते हैं जहां हैवी रेन होती है इसीलिए हम इन्हें ट्रॉपिकल एवरग्रीन या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहते हैं क्योंकि ये डेंस होते हैं हैवी रेनफॉल की वजह से एग्जाम्पल है एबनी महोगनी रोजवुड ऐसे ट्रीज मिलते हैं आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट में सेकेंड है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट जैसे हम मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं क्यों कहते हैं मॉनसून फॉरेस्ट क्योंकि जब मॉनसून आता है और बारिश होती है तो ये वाले फॉरेस्ट एकदम लश ग्रीन हो जाते हैं वैसे ये एक पीरियड में अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं पर मॉनसून के टाइम पे ये एकदम लश ग्रीन सुंदर हरे हरे ग्रो करते हैं एग्जाम्पल्स हैं टीक पाम ओक बर्च शीशम पीपल नीम ये भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं डेसीडियस फॉरेस्ट के ठीक है थर्ड है माउंटेन फॉरेस्ट एग्जाम्पल है फर्न्स ओक जूनेपर फिर फोर्थ है मैंग्रोव फॉरेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट की एक बहुत ही स्पेशल स्पीशी होती है सुंदरी इसका नाम जरूर याद रखना कुछ एग्जाम्पल्स हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट के रेड मैंग्रोव और सेकेंड एग्जाम्पल है आर् केशिया आर एशिया ठीक है एक चीज और याद रखो मैंने अभी बोली भी थी मैंग्रोव फॉरेस्ट सबसे बेस्ट ग्रो करते हैं थ्राइव करते हैं ग्रो करते हैं सलाइन वाटर में जहां थोड़ा सा पानी नमकीन होता है वहां पर मैंग्रोव फॉरेस्ट बहुत अच्छे से उग पाते हैं ठीक है फिफ्थ है थॉर्न फॉरेस्ट एग्जाम्पल्स है बबूल पलास वाइल्ड डेट पाम ऐसे फॉरेस्ट में आपको कई कई जगह पे कैक्टस भी देखने को मिलेगा ठीक है तो ये हो गए कुछ एग्जाम्पल्स हमारे टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट के और इसी के साथ वेजिटेशन कंप्लीट होता है बट अभी हम ये जानेंगे कि फॉरेस्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है ठीक है सो लेट्स अंडरस्टैंड वाई फॉरेस्ट आर नेसेसरी फॉरेस्ट आर वेरी यूजफुल टू अस दे परफॉर्म वेरियस फंक्शन ये दे डू परफॉर्म सम फंक्शन प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन दैट वी ब्रीथ एंड दे ऑब्सॉर्ब अवर कार्बन डाइऑक्साइड अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्ब ना करें तो फिर ना तो हमारे लिए ग्लूकोज दैट मीनस ना तो हमारे लिए खाना बन पाएगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से पोल्यूशन का रेट भी बहुत ज्यादा हो जाएगा ठीक है इसीलिए प्लांट्स हमारे लिए नंबर वन सबसे पहला यूज और सबसे इंपॉर्टेंट यूज यही है कि वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं जिससे हम सांस ले पाए और कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्ब भी करते हैं द रूट्स ऑफ द प्लांट्स बाइंड द सॉइल दस दे कंट्रोल सॉइल इरोजन प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं, वो मिट्टी को बांध के रखती हैं। अगर वो मिट्टी को बांध के ना रखे तो मिट्टी सारी बह जाए सारी मिट्टी अगर बह जाएगी इरोड हो जाएगी तो क्रॉप्स कहां होंगे क्रॉप्स नहीं उग पाएंगे प्लांट्स नहीं उग पाएंगे प्लांट्स नहीं होंगे तो हम ऑक्सीजन नहीं पा पाएंगे प्लांट्स नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम कौन करेगा ठीक ये हो गया इसका सेकेंड फीचर कि जो प्लांट्स के रूट्स होते हैं वो सॉइल को बाइंड करके रखते हैं एनहेंस दे कंट्रोल सॉइल इरोजन फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विद टिम्बर लकड़ी प्रोवाइड करता है हमें फर्नीचर के लिए फ्यूल वुड लकड़ी प्रोवाइड करता है कि हम उसे जला के बहुत सारा काम कर सके फॉर्डर प्रोवाइड करता है मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं हर्ब्स होते हैं लाख एक मटेरियल होता है जिससे बहुत सारे क्राफ्ट के आइटम बन सकते हैं लाख मिलता है हमें पेड़ों से हनी मिलता है हमें पेड़ों से गम मिलता है हमें पेड़ों से पेपर मिलता है बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें डायरेक्ट ट्रीज से मिल रही होती हैं तो अगर ये ट्रीज ना हो और ट्रीज को मिलाकर ये फॉरेस्ट ना हो तो हमारी ये सारी रिसोर्सेज का फुलफिलमेंट कहाँ से हो पाएगा नहीं हो पाएगा राइट तो ये हो गया इनका थर्ड फीचर फॉरेस्ट नेचुरल हैबिटेट होते हैं वाइल्ड लाइफ के लिए ये हो गया इनका फोर्थ फीचर क्योंकि अगर फॉरेस्ट नहीं होगा तो वाइल्ड लाइफ कहां रहेगी घरों में सड़कों पे, बिल्डिंग्स में तो नहीं रह सकती जंगलों में रहेगी ना क्योंकि वही उनका नेचुरल हैबिटेट है सो फॉरेस्ट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ बींग नेचुरल हैबिटेट फॉर द वाइल्ड लाइफ एंड दिस मेक्स फोर्थ फंक्शन ऑफ अ फॉरेस्ट नैचुरल वेजिटेशन हैज बीन डिस्ट्रॉइड टू अ लार्ज एक्सटेंड बिकॉज ऑफ द रेकलेस कटिंग ऑफ ट्रीज बिना सोचे समझे बिना किसी अच्छी प्लानिंग के ट्रीज लगातार काटे जा रहे हैं जिसकी वजह से नेचुरल वेजिटेशन बहुत डिस्ट्रॉय हो रहा है वी शुड प्लांट मोर मोर एंड 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 ट्रीज प्रोटेक्ट मेक पीपल इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज हमें लोगों को ट्रीज की इंपॉर्टेंस के बारे में लगातार अवेयर करना पड़ेगा कि ट्रीज हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है हमें इन ट्रीज को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा तभी हम खुद भी प्रोटेक्टेड रह पाएंगे क्योंकि आज आप ट्रीज काट के वहां पे अपना एक मल्टी कॉम्प्लेक्स बना के बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना सकते हो बट बाद में जब ये ट्रीज कम पड़ जाएंगे जब ऑक्सीजन की कमी होगी जब कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करने के लिए ट्रीज कम पड़ जाएंगे जब सॉयल को मैनेज करने के लिए ट्रीज कम पड़ जाएंगे तब होगी हम लोगों को प्रॉब्लम तो अभी से हमें इन्हें प्रोटेक्ट करना शुरू करना चाहिए ताकि हमारा फ्यूचर सेफ रहे वी कैन है जंगल का महोत्सव पेड़ लगाने के महोत्सव को सेलिब्रेट करना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ट्रीज को प्लांट करें ताकि जितने कट हो रहे हैं उसको हम ग्रो करके बैलेंस आउट कर सके ठीक है क्योंकि देखो ट्रीज काटना इंपॉर्टेंट भी है हम सब लोग कहां रहेंगे लैंड इज इंपॉर्टेंट राइट बट हमें एक बहुत ही प्रॉपर प्लानिंग के साथ करना चाहिए चीजों को एक सस्टेनेबल मैनर में चीजें करनी चाहिए ताकि हमारी नीड्स भी फुलफिल हो जाए और हमारा फ्यूचर भी सेफ रहे ठीक है हमें हमेशा सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस करनी चाहिए तो वन महोत्सव जैसे प्रोग्राम्स बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए फॉरेस्ट एंड ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक बहुत सुंदर सा डायग्राम दिखाया गया है कि फॉरेस्ट हमें क्या क्या देता है सॉइल बाइंड करता है फर्नीचर के लिए लकड़ी देता है स्पोर्ट्स के लिए लकड़ी देता है फ्यूल बनाता है फॉर्डर मिलता है हम शेल्टर पाते हैं ट्री से मेडिसिन बनती हैं कई पेड़ों से ऑक्सीजन मिलती है हनी मिलती है फ्रूट्स मिलते हैं गम और लाख मिलता है नेचुरल हैबिटेट होता है वो वाइल्ड लाइफ के लिए टिम्बर मिलता है हमें रबर मिलता है हमें इतनी सारे फंक्शंस ट्रीज परफॉर्म करते हैं तो इसलिए यह हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और यह हमारी नीड भी है कि हम इन फॉरेस्ट को हम इन ट्रीज को प्रोटेक्ट करके रखें क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को और उसके कंजम्पशन को फुलफिल करने के लिए हमें ट्रीज और फॉरेस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है ठीक है तो यहीं पे हमारे सेकेंड सेक्शन ऑफ द चैप्टर वेजिटेशन भी ओवर होता है ओके चिल्ड्रेन नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वाइल्ड लाइफ हमने क्लाइमेट पूरा कर लिया है ना हमने क्लाइमेट देख लिया इंडिया का हमने वेजिटेशन स्टडी करा और अब हम आ जाते हैं द वेरी इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ पे ठीक और यही होगा हमारे इंडिया को समझने का लास्ट फीचर ठीक हमने लास्ट चैप्टर में फिजिकल फीचर्स को अच्छे तरीके से देखा था और अब हम क्लाइमेट वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को देख रहे हैं ऑल राइट सो रीडिंग अबाउट द वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट आर होम टू अ वाइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ देर आर थाउजेंड ऑफ स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड अ लार्ज वराइटी ऑफ रेपटाइल्स एम्फीबियंस मैम बर्ड्स इंसेक्ट एंड वर्म्स विच डुवेल इन द फॉरेस्ट देखो फॉरेस्ट में बहुत वराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ रहती है वाइल्ड लाइफ की बहुत ज्यादा वराइटी रहती है और हजारों तरीके की स्पीशीज हैं एनिमल्स की जो फॉरेस्ट में रहती है स्पीशीज क्या होती है मैं आपको इसका मीनिंग समझाती हूं तो जो स्पीशीज होती है ना बेटा स्पीशीज स्पीशीज का मतलब है अ सेट ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स इन विच द मेंबर्स हैव सिमिलर कैरेक्टर स्टिक्स कैरेक्टर स्टिक्स टू ईच अद एंड दे कैन ब्रीड विथ ईच अदर दो ऐसे एनिमल्स या प्लांट जो थोड़े बहुत सिमिलर हैं उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर हैं और इस वजह से वो एक साथ ब्रीड भी कर सकते हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल अगर हम टाइगर का एग्जाम्पल लें तो आपको पता है टाइगर की बहुत सारी स्पीशीज हैं है ना एक होते हैं जो हमारे यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर मिलते हैं कुछ होते हैं साइबेरियन टाइगर जो जनरली साइबेरिया की बेल्ट में मिलते हैं कुछ होते हैं मलायन टाइगर्स कुछ होते हैं सुमात्रन टाइगर्स ये हैं सब टाइगर्स बट ये सारी की सारी स्पीशीज अलग हैं, ये सब अलग स्पीशीज हैं अलग अलग टाइप के हैं पर इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल सिमिलर हैं। इन सारे टाइगर्स की कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत सेम होती हैं। इसीलिए इन्हें स्पीशीज ऑफ टाइगर कहा जाता है एंड बिकॉज दे हैव समथिंग इन कॉमन दैट इज वाई दे कैन ब्रीड विथ ईच अदर वो एक दूसरे के साथ ब्रीडिंग कर सकते हैं और न्यू यंग वंस को बॉर्न कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल रॉयल बेंगाल टाइगर साइबेरियन टाइगर के साथ ब्रीड करके एक हाइब्रिड टाइप का यंग वन पैदा कर सकता है ठीक है तो इसे हम कहते हैं स्पीशीज कमिंग बैक टू द स्लाइड सो देर आर थाउजेंड ऑफ स्पीशीज ऑफ एनिमल्स और बहुत तरीके के रेप्टाइल्स बहुत तरीके के एम्फीबियंस मैमल्स बर्ड्स इंसेक्ट्स वर्म्स भी मिलते हैं फॉरेस्ट में ये सारी चीजें क्या होती है देखो बर्ड्स तो आपको पता होगा चिड़िया इंसेक्ट आपको पता होंगे क्या होते हैं कीड़े मकोड़े वर्म्स आपको पता है है ना जो छोटे से वर्म्स होते हैं वर्म्स भी आपको पता होंगे अब आप आपको मैं बताती हूं कि रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस क्या होता है क्योंकि आप सुनते कई बार हो पर आपको डिफरेंस नहीं पता होता और उसके चक्कर में हमेशा अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आती है तो आज ये सारी चीजें वंस एंड फॉर ऑल क्लियर कर लेते हैं ठीक तो हमारे पास क्या क्या वर्ड्स हैं? सबसे पहले तो है रेप्टाइल्स दूसरा हमारे पास वर्ड है एम्फीबियन थर्ड हमारे पास वर्ड है मैमल फोर्थ हमारे पास बर, वर्ड है बर्ड्स फिर है इंसेक्ट्स और फिर है वर्म्स देखो कोई वर्ड रहे तो नहीं क्या है सिक्स वर्ड्स करे हैं मैंने हाँ सिक्स वर्ड्स ही हैं ठीक तो चलो देखते हैं ये सब क्या होते हैं सो लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंसेस बेसिकली ओके रेप्टाइल्स के बारे में सबसे पहले बात करते हैं कि रेप्टाइल्स क्या होते हैं देखो पहली बात तो रेप्टाइल्स वर्टिब्रेट्स होते हैं ठीक है वर्टिप्रेट्स वो लोग होते हैं जिनके पास स्पाइन होती है ठीक है रीढ़ की हड्डी जो हमारे पास भी है बैक पे है ना रेप्टाइल्स वर्टिप्रेट्स होते हैं हवा में सांस लेते हैं एंड दे हैव अ ड्राई स्किन यूजअली दे हैव अ ड्राई स्किन दैट इज यूजली कवर्ड इन स्केल्स और बोनी प्लेट्स या तो उनकी बॉडी पे कुछ प्लेट्स के जैसे निशान होंगे ठीक है या स्केल्स बने होंगे किसी तरीके के स्केल्स बने होंगे उनकी बॉडी पे ठीक टिपिकली दे ले एग्जॉन लैंड हैव अ सॉफ्ट शेल वो जनरली अपने अंडे कहां देते हैं जमीन पे देते हैं रेप्टाइल्स बच्चों कोल्ड ब्लडेड होते हैं ठीक है कोई भी जानवर या जितने भी ये सब लोग हैं ये कोल्ड ब्लडेड है कि नहीं है इससे आपको बहुत बड़ी हिंट मिल जाएगी कि वो कौन से कैटेगरी को बिलोंग करते हैं ठीक है रेप्टाइल्स कोल्ड ब्लडेड होते हैं इसका यह मतलब है कि वो अपने बॉडी टेम्परेचर को चेंज नहीं कर पाते रेगुलेट नहीं कर पाते हम लोग जो कि मैमल्स हैं हम लोग वार्म ब्लडेड होते हैं इसलिए हम लोग अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं रेप्टाइल्स नहीं कर पाते ठीक है रेप्टाइल्स के कुछ एग्जाम्पल्स आपको मैं बता दू सबसे पहले तो एलिगेटर लिख लो आप चाहो तो एलिगेटर टर्टल टोटो snakes. ठीक है ये सब एग्जाम्पल्स हैं रेप्टाइल्स के एम्फीबियंस की बात करते हैं एम्फीबियंस भी कोल्ड ब्लडेड वोटिब्रेस होते हैं मतलब इनकी भी स्पाइन होती है और ये लोग पार्शली एक्वेटिक होते हैं एंड ब्रीद थ्रू देयर स्किन ठीक है ये लोग एक्वेटिक होते हैं पार्शली आधा पानी में आधा जमीन पे रहने वाले जानवर होते हैं और इनकी जो स्किन होती है वो इन्हें हेल्प करती है सांस लेने में ठीक है दैट मींस इनके पास कोई अलग से ऑर्गन नहीं होता जिससे ये सांस ले पाए ये लोग अपनी स्किन से ही सांस लेते हैं एंड एम्फीबियंस लाइफ साइकिल इज ब्रोकन डाउन इन टू टू स्टेजेस हर एम्फीबियन की लाइफ साइकिल दो हिस्सों में बटी होती है एक होता है लार्वल स्टेज और एक होता है अडल्ट स्टेज लार्वल स्टेज मतलब वो जब वो जब ग्रो कर रहा होगा और अडल्ट मतलब जब वो ग्रो कर चुका होगा लार्वल स्टेज में जब वो लोग होते हैं तो वो लोग कंप्लीटली पानी में रहते हैं और जैसे ही वो अडल्ट हो जाते हैं देन दे कुड बी सेमी कुमीटिक दैट मीन वो कभी लैंड पे कभी पानी में दोनों जगह रह पाते हैं तो मैंने क्या बताया एम्फीबियंस में कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट्स है आधा पानी में आधा जमीन पे रहने वाले होते हैं इनकी लाइफ साइकिल दो हिस्सों में डिवाइडेड होती है एक इनका जो ग्रोइंग स्टेज है लार्वल स्टेज और इनका अडल्ट स्टेज लार्वल स्टेज 100% परसेंट एक्वेटिक होता है और अडल्ट स्टेज दोनों हो सकता है पानी भी जमीन भी इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है हमारे पास सबसे पहले तो फ्रॉग फिर टोड सैलोमैंडर सैलोमैंडर तो ये हो गए एग्जाम्पल एम्फीबियंस के और प्लीज लेट मी टेल यू फ्रॉग टोड और सैलेमांडर ये बहुत तरीके के होते हैं ठीक है बहुत तरीके के फ्रॉग टोड और सैलेमांडर पाए जाते हैं लेट्स कम टू मैमल्स यही हो गए थर्ड पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन हम लोग को जनरली यही समझ में नहीं आता है ठीक है रेप्टाइल समझ लिया वर्टिब्रेट्स हैं स्पाइन है ड्राई स्किन है, है अंडे देते हैं एम्फीबियंस हैं कोल्ड ब्लडेड है हैं है, आधा आधाटिक और आधा जमीन पे इनका जीवन जाता है नॉलेज स्टॉक अबाउट द मैमल्स हु आर वार्म ब्लडेड वर्टिब्रेट्स दैट ब्रीज एयर most mammals are terrestrial often have fur or hair and they have a very complex brain than other types of animals mammals nurse their babies and almost always give birth to live live young ones but there are some exceptions as well the largest mammal on earth is the blue whale mammals are warm blooded this is the fact number 1 about mammals that they are warm blooded vertebrates they breathe air most of the mammals live

ठीक है तो कुछ एक्सेप्शन होते हैं नेचर में दुनिया का सबसे बड़ा मैमल है द ब्लू वेल वो एक फिश है अपने आप में वी कंसिडर फिश बट वो मैमल होती हैं, ठीक है थीके? क्योंकि वो वार्म ब्लडेड वॉटर होती हैं। इसलिए हम उन्हें मैमल्स की कैटेगरी में रखते हैं इसका यह मतलब नहीं है कि सारी फिशेज मैमल्स हो गई ऐसा नहीं होता है फिश ना तो मैमल होती है ना रेप्टाइल होती है ठीक है फिश की फैमिली और कैटेगरी बहुत डिफरेंट होती है इसलिए लेट्स नॉट टॉक अबाउट फिश हो गई वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली मैमल्स एंड ब्लू वेल फिश में एक ऐसी कह सकते हो एक्सेप्शन है जो कि मैमल होती है तो यहाँ पे जो तीन वर्ड्स आपको सबसे ज्यादा परेशान करते हैं कि रेप्टाइल क्या होता है एम्फीबियन क्या होता है मैमल क्या होता है ये यहाँ क्लियर हो गया बचे हुए तीन आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगे बर्ड्स यानी कि उड़ने वाली या ना उड़ने वाली चिड़िया है ना कुछ चिड़ियां ऐसी भी होती हैं जो नहीं उड़ सकती ठीक इंसेक्ट कीड़े मकौड़े आपको पता है अवॉम्स ठीक तो ये हो गया डिफरेंस जिसमें आप कई बार कंफ्यूज हो सकते हो पर अगर आपने एक बार ये समझ लिया तो आपको वाइल्ड लाइफ और टाइप्स ऑफ एनिमल्स समझने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी ठीक है कमिंग बैक टू दाइड टाइगर इज अवर नेशनल एनिमल टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है एंड इट इज फाउंड इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री कंट्री के बहुत सारे पार्ट में टाइगर मिलता है नॉ इट बी टॉक अबाउट लायन बेटा ये देखो ये टाइगर है ठीक है और लायन वो होता है जो आपने लायन किंग द लायन किंग मूवी देखी लायन लायन अलग एनिमल होता है लायन जो है हमारी इंडिया में एशियाटिक लायन मिलता है इट्स स्पीसी ऑफ लायन हमारे यहाँ केवल एशियाटिक लायन मिलता है एंड दू इन गिर फॉरेस्ट गिर फॉरेस्ट इज इन गुजरात इज द होम ऑफ एशियाटिक लाइन गिर फॉरेस्ट कहां पर है गुजरात में है कहां पर है गुजरात में जी फॉर गिर फॉरेस्ट जी फॉर गुजरात गिर फॉरेस्ट जो गुजरात में है वो एशियाटिक लाइन्स का एकलौता घर है पूरी कंट्री में एलिफेंट्स एंड वन हॉन्ड रहीनो सिरोसिस रोम इन द फॉरेस्ट ऑफ असाम और अगर हम एलिफेंट्स और वन हॉन्ड रहीनो सरोस की बात करें तो वो असाम के फॉरेस्ट में मिलते हैं अब आप कहोगे एलिफेंट तो हमारे यहां भी दिखते हैं हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा एलिफेंट्स दिखते हैं ठीक अच्छा असम के के फॉरेस्ट अलावा एलिफेंट्स आर आल्सो फाउंड इन केरला एंड कर्नाटका एलिफेंट्स केरला और कर्नाटका में भी पाए जाते हैं लेट्स टॉक अबाउट कैमल्स एंड वाइल्ड एसेस दे आर फाउंड इन ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है और जो रन ऑफ कच्छ का रीजन है वहां पर आपको कैमल्स और वाइल्ड एसेस भी मिलेंगे और ये जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है बच्चों इसको हम लोग थार डेजर्ट भी कहते हैं और ये थार डेजर्ट इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों कंट्रीज में स्प्रेड हुआ है ठीक ये डेजर्ट का जो रीच है जो एक्सटेंट है वो इंडिया पाकिस्तान दोनों में है ठीक आपको हमारे इंडियन डेजर्ट में कैमल्स भी दिखेंगे और रन ऑफ कच्छ के रीजन में रन ऑफ कच्छ इज इन गुजरात रन ऑफ कच्छ में आपको वाइल्ड एसेस भी मिलेंगे वाइल्ड गोट्स स्नो लेपर्ड्स बियर्स एटसेट्रा आर फाउंड इन द हिमालयन रीजन वाइल्ड गोट्स वो बकरियां हैं जिनके बहुत बड़े बड़े फेदर होते हैं स्नो लेपर्ड्स नाम से ही समझ में आ रहा है वो लेपर्ड्स जो जनरली स्नो वाले इलाकों में रहते हैं बियर्स क्योंकि उनके बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं इसलिए उन्हें जनरली ठंडा रीजन पसंद आता है रहने में और ऐसे एनिमल्स मिलते हैं हिमालयन रीजन में बिसाइड्स दीस मेनी अदर एनिमल्स आर फाउंड इन अवर कंट्री सच एज मंकी वुल्फ जैकल डील गाय चीतल ये सारे एनिमल्स भी हमारी कंट्री में पाए जाते हैं इनफैक्ट यहां पे तो बहुत कम एनिमल्स का नाम लिखा हुआ है हमारी कंट्री में थाउजेंड स्पीशीज हैं एनिमल्स की थाउजेंड से भी ज्यादा बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं हमारी कंट्री के अलग अलग फॉरेस्ट और अलग अलग कॉर्नर्स में ठीक है यहाँ पे मैंने आपको सबसे फेमस एनिमल्स के नाम बताए जिनकी वजह से बहुत सारे फॉरेस्ट फेमस हैं बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंक्चुरी बनाई गई है बहुत सारे कंजर्वेशन स्पॉट्स बनाए गए हैं जिन एनिमल्स के लिए मैंने यहाँ पे आपको केवल उन एनिमल्स का नाम बताया प्लीज इसको रिवाइज करके ध्यान रखो कि टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है और इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में मिलता है एशियाटिक लाइन गिर फॉरेस्ट में मिलता है और गिर फॉरेस्ट गुजरात में है एलिफेंट्स और वन हॉर्न रहीनो असम में मिलते हैं एलिफेंट्स केरला और कर्नाटका में भी मिलते हैं कैमल्स मिलते हैं आपको ग्रेट इंडियन डेजर्ट में जिसे थार डेजर्ट भी कहा जाता है वाइल्ड एसेस मिलते हैं रन ऑफ कच्छ में वाइल्ड गोट्स स्नो लेपर्ड्स और बियर्स जैसे एनिमल मिलते हैं हिमालयन रीजन में और हमारी कंट्री में और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं सच एज मंकी वैकल नील गाय चीतल एक्सेट्रा नाउ लेट्स टॉक अबाउट बर्ड्स इंडिया इज इक्वली रिच इन बर्ड लाइफ ये मत सोचो तो कि केवल एनिमल्स मैमल्स एम्फीबियंस है हमारे पास बर्ड्स भी बहुत ज्यादा रिच है हमारी कंट्री में दिकॉक इज आर नेशनल बर्ड अदर कॉमन बर्ड आर पैर पिजन्स माइना टेंट बर्ड है हमारी कंट्री में देर आर सेवरल बर्ड सेंचुरीट क्योंकि पॉपुलेशन की वजह से राइजिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से लैंड बहुत ज्यादा डैमेज और डेटोरेट की गई है जिसकी वजह से बर्ड्स का जो हैबिटेट है वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्ट हुआ है और इसलिए गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐसे इनिशियटिव हैं, जिसमें उन्होंने बर्ड की सेंचुरी बनाई है जहां पर ऐसा एक हैबिटेट क्रिएट किया जाता है जो बर्ड्स के लिए बहुत ही ज्यादा सुटेबल और बेनिफिशियल होता है और वहां पे वो आसानी से रह सकती हैं, ठीक दीज प्रोवाइड द बर्ड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम हंटर्स ऑल्सो और ऐसी बर्ड सेंक्चुरीज हंटर्स से भी प्रोटेक्शन दिलाती हैं बर्ड्स को नाउ वॉट यू हैव टू डू इज कैन यू नेम फाइव बर्ड्स दट आर कॉमनली फाउंड इन योर एरिया आपके एरिया में पाई जाने वाली कॉमन बर्ड्स का नाम आपको बताना है ठीक मैं आपको बता देती हूँ जनरली दिख जाती हैं इधर उधर मुझे सबसे पहले जो कॉमनली मिलती है वो होती है किंग फिशर आप चाहो तो इंटरनेट पे मम्मी पापा की परमिशन के साथ इंटरनेट पे किंग फिशर की या जितनी भी बर्ड्स में आपको बता रही हूँ उनकी फोटो देख सकते हो ठीक है किंग फिशर मुझे बहुत आसानी से दिख जाती है फिर मुझे स्क्विरल स्क्विरल मिल जाती है के बाद मुझे जो बहुत आसानी से जो मिलता है वो है आउल फिर है पीकॉक बस पीकॉक जनरली वो टाइम पे ज्यादा दिखता है जब मॉनसून आती है अदरवाइज ये लोग थोड़ा छुपे रहते हैं फिर कुछ कंजर्वेशन वाले एरियाज में हमको दिखी थी लिटिल इग्रेट कभी आप देखना जाके इंटरनेट पे आपको कहीं और मिल जाए किसी भी सेंचुरी या किसी भी ऐसी कंजर्वेशन वाली जगह पे बहुत सुंदर बर्ड होती है इगरेट और एक मेरी सबसे फेवरेट जो बहुत कम दिखती है पर मिल जाती है कभी कभी हमारे एरिया में वो होती है लविंग सॉरी लाफिंग डव बहुत प्यारी बर्ड होती है ठीक तो ये बर्ड्स मुझे जनरली मिल जाती हैं अपने एरिया में आपके एरिया में कौन सी बर्ड्स दिखती हैं आपको प्लीज उसको मेंशन करना ठीक ऑल राइट अब हम आ जाते हैं अलग टाइप की स्पीशीज पे स्नेक्स की बात करते हैं तो आ गए हम रेप्टाइल्स पे देर आर सेवरल हंड्रेड ऑफ स्पीशीज ऑफ स्नेक्स फाउंड इन इंडिया क्योंकि आपको पता है इंडिया में बहुत सारे स्नेक चार्मर्स हैं तो जाहिर सी बात है इंडिया में बहुत सारे स्नेक्स भी होंगे ठीक है इंडिया में हजार सॉरी हंड्रेड ऑफ स्पीशीज हैं स्नेक्स के कोबराज़ एंड क्रेट्स इंपॉर्टेंट कोबराज और सबसे इंपॉर्टेंट स्पीशीज हैं क्योंकि वो बहुत सारे में पाए जाते हैं ड्यू टू कटिंग ऑफ सेवरल स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया आर डिक्लाइनिंग रैपिडली पर फॉरेस्ट के कट होने की वजह से और हंटिंग प्रैक्टिस की वजह से वाइल्ड लाइफ की बहुत सारी ऐसी स्पीशीज हैं जो बहुत तेजी से डिक्लाइन हो रही है मतलब अगर वो आपको दो साल पहले हजार के नंबर में दिखती थी तो आज हंड्रेड के नंबर में दिखती हैं इतनी तेजी से उनका डैमेज हो रहा है उनका हैबिटेट मेनी स्पीशीज हैव ऑलरेडी बिकम बहुत सारी स्पीशीज तो ऐसी हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं एक्सटिंक्ट मतलब अब उनका कोई नंबर नहीं दिखता हमें किसी भी फॉरेस्ट में इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम मेनी नेशनल पार्क सैंक्चुरीज एंड बायोस्फेर रिजर्व हैव बीन सेटअप बहुत सारे नेशनल पार्क सैंकुरी और बायोस्फीयर रिजर्व बनाए हैं हमारी गवर्नमेंट ने ताकि उनको प्रोटेक्शन दिया जा सके उनके फेवरेबल हैबिटेट में उन्हें रखा जा सके उन्हें बांध के नहीं रखा जाता यहाँ पे ये ऐसे एरियाज होते हैं ये ऐसे कंजर्वेशन वाले एरियाज होते हैं जहां पे हंटर्स अलाउड नहीं होते बिल्कुल भी और अगर कोई हंट करते मिल गया तो उसे पनिशमेंट दी जाती है लीगली उसे कोर्ट में पेश किया जाता है उसे पनिशमेंट मिलती है जेल में डाला जाता है फाइन लिया जाता है यहां पे आउटसाइडर्स बहुत आसानी से अलाउड नहीं होते हैं एनिमल्स फ्रीली घूम सकते हैं वो उनका अपना हैबिटेट होता है ठीक यहीं से आपको समझ जाना चाहिए दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिस्पेक्ट वेल क्योंकि वो भी लिविंग क्रीचर्स हैं दे ऑल्सो हैव द राइट टू लिव टू ईट टू फील सेफ ऑल राइट

ताकि इन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके और इस प्रोजेक्ट में क्या करते हैं और ज्यादा सिवियर और स्ट्रिक्ट विजिलेंस रखते हैं ताकि इनकी कोई हंटिंग ना कर सके ठीक और इनके हैबिटेट को सेफ रखने की पूरी पूरी कोशिश की जाती है यू कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इन कंजर्विंग वाइल्ड लाइफ अब आप कहोगे कैसे हम कैसे वाइल्ड लाइफ को बचा, बचा सकते हैं यू कैन रिफ्यूज टू बाय थिंग्स मेड फ्रॉम द पार्ट ऑफ द बॉडीज ऑफ एनिमल्स जैसे कि उनकी बोन्स से बनी हुई चीजें उनके हॉर्न्स से बनी हुई चीजें उनके फर उनकी स्किन उनके फेदर से बनी हुई चीजों को मत खरीदो ताकि उन एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जा सके मुझे पता है बहुत सारे ऐसे नॉन वेजिटेरियन फैमिलीज एंड मेंबर्स हैं हमारे स्टूडेंट्स भी बहुत सारे ऐसे होंगे जो नॉन वेज खाते हैं दट ओके दट्स योर लाइफ स्टाइल दट योर ईटिंग लाइफ स्टाइल मैं आपके वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन होने पे कोई कमेंट नहीं कर रही हूं बट बियॉन्ड योर ईटिंग हैबिट्स बियड योर ईटिंग हैबिट्स प्लीज ट्राई कि आप ऐसा कोई सामान ना खरीदो जिससे उनकी हंटिंग और ज्यादा बढ़ जाए ठीक है एवरी ईयर यू ऑब्जर्व वाइल्ड लाइफ वीक इन द फर्स्ट वीक ऑफ ऑक्टूबर ऑक्टूबर मंथ का जो फर्स्ट वीक होता है उसे हम वाइल्ड लाइफ वीक कह के मनाते हैं टू क्रिएट द अवेयरनेस ऑफ कंजर्विंग दबिटेट ऑफ द एनिमल किंगडम हम ये हर साल कोशिश करते हैं कि अक्टूबर में हम इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करें कि एनिमल किंगडम को और उनके हैबिटेट को कंजर्व किया जाए फॉरेस्ट को कम से कम कट किया जाए हंटिंग बिल्कुल कम हो जाए ताकि ये एनिमल्स अपने एरिया में अपने हैबिटेट में एकदम फ्रीली और सेफली रह सके जैसे हम अपने घरों में सेफ हैं वैसे इन्हें भी अपने घर में सेफ रहने दिया जाए ठीक है लार्ज लाजकेल पोचिंग अलेज्ड इन सेम्लीपाल रिजर्व्स ऐसे बहुत सारे रिजर्व एरिया बल्कि ऐसे एरियाज जहां पे लोगों का आना मना है पोचर्स का बिल्कुल एंट्री नहीं हो सकती ऐसे एरियाज में भी लोग हंट करते हैं और इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सीवियर और स्ट्रिक्ट एक्शंस भी लिए हैं ऐसे ही बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स आप देखते होगे अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो अगर आप नहीं पढ़ते तो प्लीज ध्यान दीजिए लगातार ऐसे आर्टिकल्स देखते हैं जहां पे बहुत ज्यादा हंटिंग और पोचिंग हो रही होती है और बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने मिलकर इस चीज के लिए स्टेप्स भी लिए हैं ठीक है और आपको भी इसके लिए स्टेप्स लेने चाहिए हमें पता है हमें लगता है कि हम घर रह के कुछ नहीं कर सकते बट द मोस्ट यू कैन डू इज अवॉइड बाइंग दोज प्रोडक्ट्स जो इनके हॉर्न्स या इनकी स्किन या इनके फर से बने होते हैं ठीक है Let's read about a very interesting piece of information and this is about migratory birds. Some birds such as pintail duck, curlews, flamingo, osprey and little stint migrate to our country in winter season every year. हर साल जब इंडिया में विंटर सीजन होता है, तब ये सारी की सारी birds इंडिया की तरफ आती हैं. अब आप सोचो के विंटर सीजन, जब हमारे यहाँ इतनी ठंड पड़ रही होती है, तब ये लोग हमारे यहां क्यों आती हैं? क्योंकि ये जिन कंट्रीज में रहती हैं वहां पर तो बहुत ही ज्यादा ठंड होती है ठीक है वहां पर तो फ्रीजिंग कोल्ड वेदर होता है दैट इज वाई ये अपनी कंट्री छोड़कर इंडिया की तरफ माइग्रेट करती हैं, दे माइग्रेट टूवर्ड्स इंडिया दैट इज वाई दे आर नोन एज माइग्रेटरी बर्ड्स क्योंकि ये यहां अपना परमानेंट घर बनाने नहीं आती हैं

एट थाउजेंड किलोमीटर टू रीच इंडिया आर्कटिक, नॉर्थ पोल के पास नॉर्थ पोल के पास से इतनी छोटी सी चिड़िया जो पंद्रह ग्राम की है बस पंद्रह ग्राम की इतनी छोटी सी चिड़िया आर्कटिक रीजन से इंडिया की तरफ उड़ती हुई आती है एट थाउजेंड किलोमीटर का डिस्टेंस हर साल तय करके आती है कैन यू जस्ट इमेजिन कितनी ज्यादा हार्डवर्किंग बर्ड है ये इतनी छोटी सी बर्ड इतनी लाइट वेटेड इतनी दूर से इंडिया आती है अपने आप को सेटल करने के लिए फॉर अ स्पेसिफिक सीजन ठीक है नाउ वॉट यू हैव टू डू इज यू हैव टू फाइंड आउट की इन का नाम क्या है वैसे तो क्लू यहीं पे दिया हुआ है आपको बट यू हैव टू कंफर्म आई विल टेल यू दी आंसर बट चलो कुछ गेस वर्क करो कुछ ढूंढ के लाओ सोचो कि कौन सी बर्ड का नाम क्या हो सकता है आई विल टेल यू ठीक है बट दिस वॉज अबाउट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द माइग्रेटरी बर्ड्स दैट वो कितना वर्क करती हैं हर सीजन इतनी दूर दूर से इंडिया में आना कुछ पीरियड के लिए रहना अपना घर बनाना एंड देन वापस छोड़ के चले जाना ठीक है बिकॉज उन्हें पता है कि उनकी जो कंडीशन है रहने की वो बहुत ज्यादा हार्श हो जाती है किसी एक रीजन में दैट इज वाई देव टू कम दे हैव टू माइग्रेट टू अवर कंट्री ओके the chapter, let's recall the chapter with the help of some exercises. Question number वन आंसर द क्वेश्चन ब्रीफली बहुत शॉर्ट में आपको आंसर करना है बड़े बड़े ऐसे लिखने का कोई मतलब नहीं ओके सो लेट स्टार्ट पार्ट एच वि रेनफॉल इन इंडिया एंड वाई इज इट सो इंपॉर्टेंट पहली बात तो पूछे गए आपसे कि ऐसी कौन सी विंड है जो इंडिया में रेनफॉल लेके आते हैं यू हैव टू नेम द विंड सेकेंड वो विंड इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है आंसर इज मॉनसून विंड ब्रिंग रेनफॉल इन इंडिया आप चाहो तो यहां पे साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स भी लिख सकते हो नो प्रॉब्लम मॉनसून विंड्स ब्रिंग रेनफॉल इन इंडिया एंड वाई इज इट इंपॉर्टेंट बिकॉज एग्रीकल्चर इन इंडिया डिपेंड्स ऑन रेन्स गुड मॉनसून मीन्स सफिशियंट रेन एंड अ गुड क्रॉप हेंस मॉनसून विंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट आर प्रॉस्पेरिटी डिपेंड्स ऑन दीज दैट इज वाई दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ओके क्योंकि आपको पता है अगर ये विंड्स आएंगी तो अच्छी रेनफॉल होगी अच्छी रेनफॉल होगी तो क्रॉप अच्छी होगी ठीक है अच्छी रेन की वजह से यह भी हेल्प मिलता है कि हमारे पास जो रिजर्वॉयर्स हैं, जहां पे हम पानी सेव करते हैं उसमें पानी स्टोर हो जाएगा एंड देन वी कैन यूज दिस स्टोर्ड वाटर फॉर इरिगेशन लेटर इन द ईयर जब सीजन खत्म हो जाएगा जब रेनी सीजन खत्म हो जाएगा तब हम इस स्टोर्ड वाटर को इरिगेशन के लिए यूज कर सकते हैं तो रेनफॉल का अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर रेनफॉल नहीं होगी क्रॉप अच्छी नहीं होगी हम पानी स्टोर नहीं कर पाएंगे और अपनी नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाएंगे ठीक है इसलिए रेनफॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर द कंट्री लाइक इंडिया क्योंकि वी आर स्टिल अ मेजरली एग्रो बेस्ड इकोनमी दैट इज वाई वी नीड रेनफॉल ऑल राइट बी पार्ट नेम द डिफरेंट सीजन सीजन इन इंडिया वेरी इजी क्वेश्चन फोर सीजन आपको पता है विंटर समर रेनी ऑटम अब आप कहोगे मैम हमारे यहाँ स्प्रिंग सीजन नहीं होता है क्या बच्चों हमारे यहाँ स्प्रिंग सीजन कम्स विद मिक्स ऑफ समर्स दैट इज why वी do नॉट कॉल स्प्रिंग एज अ सेपरेट सीजन इन इंडिया इन इंडिया पूरे नदन hemisphere में तो बहुत सारी कंट्रीज में स्प्रिंग आता है क्योंकि उनके यहां बहुत ज्यादा हॉट समर्स नहीं होते पर हमारे यहाँ समर्स are वेरी हॉट दैट इज why इट कम्स along with स्प्रिंग दैट इज why वी do नॉट कॉल इट सेपरेटली So, the four major seasons in India are cold weather season, that is winter, hot weather season, that is summer, southwest monsoon season, that is rainy season, and season of retreating monsoon, that is autumn. Okay? C part. Everything is from the chapter. You can directly read it. Every question is from the chapter itself. C part is asking, what is natural vegetation? Natural vegetation.

इंडिया में जो वेजिटेशन पाया जाता है आपको वो बताने हैं ठीक है थीके? तो मैंने आपको एक तरीका भी बताया था कि आप चाहो तो इंडिया के टॉप से साउथ में जा सकते हो नॉर्थ से साउथ जा सकते हो या तो आप मिडिल से शुरू करते हुए नॉर्थ या साउथ जा सकते हो ठीक है मेरा तरीका है कि मैं पहले मिडिल से शुरू करती हूँ उसके बाद मैं थोड़ा सा साउथ या नॉर्थ में जाती हूँ ओके तो सबसे मिडिल में है हमारे लिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ठीक है नॉर्थ ईस्ट में ये फॉरेस्ट बहुत पाए जाते हैं थोड़े से मिडल ऑफ द कंट्री में भी ये रेन फॉरेस्ट बहुत पाए जाते हैं देन ट्रॉपिकल डेसीडेस फॉरेस्ट नदन प्लेन्स के जो स्पेशली रीजन है ना उत्तर प्रदेश बिहार मध्य प्रदेश यहां पर ये वाले फॉरेस्ट बहुत पाए जाते हैं थॉर्नी फॉरेस्ट अब आ जाते हैं माउंटेन्स में माउंटेन वेजिटेशन और फिर आ जाते हैं कोस्टल रीजन वाला मैंग्रोव फॉरेस्ट ठीक ये हमारे यहाँ का मेजर टाइप ऑफ वेजिटेशन है ठीक है पार्ट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डेसीडियस फॉरेस्ट ये आपको हमेशा बच्चों पता होना ही चाहिए ठीक भले ही जोग्राफी आपका इंटरेस्ट हो चाहे ना हो पर आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट और डेसीडियस में डिफरेंस पता होना चाहिए क्योंकि यही वो फॉरेस्ट है जहां से हमारी सबसे ज्यादा रिसोर्सेज आती हैं, जिन्हें हम यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में दैट इज बाय वी शुड बी नोइंग डिफरेंस बिटवीन एटलीस्ट दीज टू सो लेट्स रीड आउट of ऑफ डिफरेंस आई हैव क्रिएटेड बिटवीन evergreen फॉरेस्ट एंड डेसीडियस फॉरेस्ट ओके तो मैं एक पॉइंट एवरग्रीन का पढ़ूंगी और फिर एक पॉइंट डेसीडियस का पढ़ूंगी ठीक है एवरग्रीन forests आर सो डेंस that सनलाइट doesn't रीच द ग्राउंड क्योंकि उनकी जो ट्री का जो ये कवर है ना ये जो ये कवर ये जो ये इतनी हेवी कैनपी बना लेता है कि सनलाइट बहुत ज्यादा नीचे तक नहीं आ पाती ठीक

खत्म नहीं होती और लगता है कि ये हमेशा ही ग्रीन रहते हैं ठीक क्योंकि आज अगर किसी एक ट्री ने लीव्स शेड करना शुरू करी है एक महीने के बाद दूसरी करेगा और तब तक इस पहले वाली ट्री की लीव्स वापस आ चुकी होती हैं, तो इसलिए लगता ही नहीं है कि इन्होंने अपनी लीव्स कभी भी शेड करी थी दैट इज वाई दे सीम टू बी एवरग्रीन ऑलवेज बट दे डू शेड देर लीव्स बट एट डिफरेंट पीरियड ऑफ द ईयर डेडियस फॉरेस्ट का एक पर्टिकुलर पीरियड आता है और फिर वो अपनी लीव को शेड कर देते हैं स्पेशली एट द मॉनसून पीरियड मॉनसून पीरियड के एंड में तो ये लोग स्पेशली अपनी लीव को शेड कर देते हैं थर्ड पॉइंट रिगार्डिंग द्रीन फॉरेस्ट दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरियाज विच रिसीव हैवी रेनफॉल और शायद इसीलिए इसी इन्हें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है पहली बात ये ट्रॉपिकल कंट्रीज में मिलते हैं दूसरा ये केवल उन्हीं रीजन में मिल पाते हैं जहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती है बहुत ज्यादा बारिश होगी बहुत ज्यादा पेड़ उग पाएंगे ठीक है इसीलिए ये एवरग्रीन भी रह पाते हैं क्योंकि पे हेवी रेनफॉल होती है टॉकिंग अबाउट द डेसीडियस फॉरेस्ट दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री ठीक है जरूरी नहीं है कि जहां पे बारिश हो रही है वहीं पे ये होंगे ये मैक्सिमम रीजन ऑफ द कंट्री में पाए जाते हैं दैट मींस जहां पे बारिश कम होती है वहां पे भी जहां बारिश ज्यादा होती है वहां पे भी फोर्थ पॉइंट टॉकिंग अबाउट एवरग्रीन फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट और महोगनी एबनी एंड रोजवुड प्लीज नाम याद रखो महोगनी एक एवरग्रीन फॉरेस्ट है एवरग्रीन ट्री है जो एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिलता है एबनी एंड रोजवुड ये तीनों के तीनों वो ट्रीज हैं जो एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिलते हैं एक जंगल के अंदर पेड़ होंगे ना That is why these are the trees found in the evergreen forest. Deciduous forest के example पढ़ते हैं Important trees of these forests are sal, teak, पीपल neem and sheesham, ठीक और आपने कई बार इन लकड़ियों का नाम सुना होगा कि साल की लकड़ी है टीक की लकड़ी है शीशम की लकड़ी है बिकॉज एज आई टोल्ड यू दीज फॉरेस्ट सर्व यू दी मैक्सिमम रिसोर्सेज यू सी अराउंड योर सेल्फ दैट इज वाई दीज फॉरेस्ट उ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट टॉकिंग अबाउट द फिफ्थ पॉइंट ऑफ एवर ग्रीन फॉरेस्ट दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन दिकोबार रीजन ऑल्सो ये उन आईलैंड में भी मिलते हैं ये नॉर्थ ईस्टर्न के पार्ट में भी मिलते हैं एंड दे आर फाउंड इन अट्रिप ऑफ द वेस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट नॉर्थ ईस्ट स्टेट एंड एंडमेन एन निकोबार ये तीन मेजर रीजन है जहां पर एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं क्यों क्योंकि यही वो रीजन है जहां पे सबसे ज्यादा बारिश भी होती है ठीक है फिफ्थ पॉइंट ऑफ फॉरेस्ट, दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड छत्तीसगढ़ उड़ीसा एंड इन पार्ट ऑफ महाराष्ट्र एज वेल मैंने यहां उड़ीसा लिख दिया इट्स उड़ीसा ठीक ये इन स्टेट में मेजरली पाए जाते हैं डेसिडियस फॉरेस्ट दिस वाज़ द डिफरेंस बिटवीन एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डेसिडियस फॉरेस्ट अगर आपको कोई और डिफरेंस मिलते हैं यू मे नोट देम डाउन ठीक है चेक कर लेना उन्हें या मुझे चेक करवा देना जैसे भी आपको ठीक लगे इस डिफरेंस को भी आप अपने साथ टैली कर लेना इसको भी अपने आंसर में एड कर लेना ठीक है मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट वाई इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑल्सो एवरग्रीन फॉरेस्ट जस्ट अभी बताया मैंने आपको क्यों ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट बिकॉज़ ट्रीज़ डू नॉट शेड इन पर्टिकुलर सीजन कोई एक सीजन आते ही अपनी लीव को शेड करते हैं एंड दैट इज वाई ये एवरग्रीन दिखते हैं ठीक है एकदम से शेड नहीं करते आर कॉल्ड द्रीन फॉरेस्ट ऑल राइट right, आप करते हैं क्वेश्चन नंबर टू टिक द करेक्ट आंसर क्या करना है स्टेटमेंट विल बी गिवन एंड थ्री ऑप्शन और आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना होगा ठीक है फर्स्ट स्टेटमेंट इज से हाइएस्ट रेनफॉल अकर्स इन हाइएस्ट रेनफॉल दैट मीन्स हम जब रेनफॉल को मेजर करते हैं मिलीमीटर या सेंटीमीटर में तब हाइएस्ट रेनफॉल कहां पर होती है दुनिया में ऑप्शन आर मुंबई एसनसोल एंड मौसन्ड्रा तीन ऑप्शंस दिए हैं आपको द आंसर इज मोसाम इन मेघालय ठीक है बी मैंग्रोव फॉरेस्ट कैन थ्राइव इन थ्राइव मतलब सस्टेन लिव कहां पे रह सकते हैं या कहां पे ग्रो कर सकते हैं ठीक है मैंग्रोव फॉरेस्ट कहां ग्रो कर सकते हैं ऑप्शंस आर सैलीन वाटर दैट मींस नमक वाला पानी फ्रेश वाटर या फिर पॉल्यूटेड वाटर आंसर इज सैलीन वाटर वाटर में ही वो आसानी से सस्टेन कर सकते हैं इसीलिए वो इतने स्पेशल टाइप ऑफ वेजिटेशन होते हैं सी महोगनी एंड रोजवुड ट्रीज आर फाउंड इन हम लोगों ने अभी पढ़ा भी इसको महोगनी और रोजवुड कौन से ट्रीज हैं वो कौन से फॉरेस्ट में पाए जाने वाले ट्रीज हैं ऑप्शन आर मैंग्रोव फॉरेस्ट ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आंसर इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट में ही महोगनी और रोजवुड मिलता है डी ऑप डी पार्ट वाइल्ड गोद्स एंड स्नो लेपड्स आर फाउंड डैश वाइल्ड गोद्स और स्नो लेपर्ड कहा मिलते हैं कौन से रीजन में ऑप्शन आर हिमालयन रीजन पेन सोलर रीजन या फिर गिर फॉरेस्ट कहा मिलते होंगे हिमालयन रीजन में ठीक है स्नो लेपर्ड नाम सही समझ में आ रहा है वो लेपर्ड तो जनरली स्नो जैसे इलाकों में मिलेंगे और स्नो सबसे ज्यादा इन ऑप्शन में कहां पर है हिमालयन रीजन में ठीक ई पार्ट ड्यूरिंग दी साउथ वेस्ट मॉनसून पीरियड साउथ वेस्ट दैट मीन जब मॉनसून इंडिया में आ रहा है द मॉइस्चर लेड इन विंड ब्लो फ्रॉम कहां से ब्लो करती हैं लैंड टू सी सी टू लैंड या प्लेटो टू प्लेन्स हमने ये चैप्टर में भी पढ़ा था वो लैंड से सी की तरफ जाती हैं या सी से लैंड की तरफ या प्लेटो से प्लेन की तरफ आंसर है सी टू लैंड क्योंकि हमने पढ़ा था कि यहीं पे इंडियन ओशन है इस तरफ अरेबियन सी और इस तरफ बे ऑफ बंगाल और साउथ वेस्ट मॉनसून विंड इन तीनों वाटर बॉडी से पास करते हुए इंडिया की लैंड पर आ रही होती है और उसी की वजह से रेनफॉल शुरू होती है मॉनसून का पीरियड इंडिया में शुरू होता है ठीक है ऑल राइट द करेक्ट आंसर खत्म आ जाते हैं ब्लैंक्स पे फर्स्ट इज हॉट एंड ड्राई विंड्स आर नोन एज डैश ब्लो ड्यूरिंग द डे इन समझे पता है इसमें कोई ऑप्शन नहीं है बट एवरी स्टेटमेंट इज फ्रॉम द चैप्टर इसलिए ध्यान से सोचो कि यह स्टेटमेंट क्या कहां पढ़ा था और क्या अप्रोप्रिएट वर्ड होना चाहिए हॉट एंड ड्राई विंडस को क्या कहा जाता है वेन दे ब्लो ड्यूरिंग द डे इन समे कहा जाता है लू क्या कहा जाता है लू सेकेंड स्टेटमेंट इज द स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु रिसीव्स अ ग्रेट अमाउंट ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग द डैश सीजन कौन से सीजन में कौन से सीजन में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बारिशें होती हैं Is, ये से नवंबर का पीरियड होता है जो कभी कभी दिसंबर तक भी स्ट्रेच हो जाता है जिसे हम रीट्रीटिंग में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बहुत ज्यादा बारिश होती है ठीक ऑल राइट थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है डैश फॉरेस्ट इन गुजरात इज द होम ऑफ डैश एक फॉरेस्ट का नाम बताना है जहां पर एक बहुत स्पेशल टाइप का एनिमल वही पे रहता है तो आपको दो ब्लैंग बताने हैं यहाँ पे आपको यहाँ पे फॉरेस्ट का नाम भी बताना है और उस एनिमल का नाम भी बताना है आंसर इज गिर फॉरेस्ट और वहां पर होम करते हैं एशियाटिक लाइन्स इनफैक्ट अब पूरी इंडिया में शायद गिर फॉरेस्ट ही एक ऐसा एरिया रह गया है जहां पर एशियाटिक लाइन्स पाए जाते हैं ठीक है आ जाते हैं फोर्थ स्टेटमेंट पे फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा है डैश इज अ वेल नोन स्पीशीज ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट की एक स्पीशीज बतानी है आपको तो एक स्पीशीज का हमने नाम पढ़ा था सुंदरी ठीक है ये एक बहुत ही वेल well नोन बहुत ही फेमस स्पीशीज है मैंग्रोव फॉरेस्ट की हमने चैप्टर में भी देखा था फिफ्थ स्टेटमेंट इज डैश आर ऑल्सो कॉल्ड मॉनसून फॉरेस्ट ऐसे कौन से फॉरेस्ट है जिन्हें हम मॉनसून फॉरेस्ट का नाम भी देते हैं द ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट और ऐसा क्यों होता है क्योंकि डेसीडियस फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट है जब मॉनसून सीजन की रेन मिलती है तो वो एकदम लश ग्रीन हो जाते हैं ऑल द लीव ग्रो बैक एकदम उनका ग्रोइंग पीरियड होता है सबसे ग्रीन पीरियड डेसीडियस फॉरेस्ट का तब आता है जब मॉनसून आते हैं इसलिए हम इन फॉरेस्ट को मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं ठीक है सो विथ दिस वी है एंड ऑफ आर चैप्टर थैंक यू द नेक्स्ट वन